Hey guys, what's up? Hope you all doing fine. Welcome back to my channel. तो मैंने लास्ट वीडियो में एक रिसोर्स शेयर किया था ब्राउजर रिलेटेड, ठीक है, कि ब्राउजर बिहाइंड द सीन्स कैसे काम करता है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो और वो वीडियो देखो. तो मैं उसी के रिलेटेड आज एक चीज़ बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर योर वेब पेज एंड ऑल्सो फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ज़रूर समझनी है व्हेन यू कॉल एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल्स विद इन योर वेब पेज, जो आपके वेब पेज लोडिंग टाइम को काफ़ी इंप्रूव कर सकता है. तो वीडियो को एंड तक देखना आपको ज़रूर यूजफुल लगेगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो देयर आर थ्री वेज टू कॉल एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल्स विद इन योर स्क्रिप्ट टैग्स. फर्स्ट इज द कन्वेंशनल वे जो सबको पता ही होगा. स्क्रिप्ट टैग लिखता है SRC एट्रीब्यूट में जावास्क्रिप्ट फाइल का जो पाथ है वो डिफाइन करते हैं. अगर आप ये चीज़ हेड सेक्शन में डिफाइन करते हो तो जब ब्राउजर HTML पार्स करेगा उसको स्क्रिप्ट टैग दिखेगी. उस टाइम पे क्या होगा, ब्राउजर HTML पार्सिंग रोक देगा और स्क्रिप्ट टैग में उसको जो भी JS फाइल मिलेगी वो उसको डाउनलोड करेगा. डाउनलोड करने के बाद वो उसको एग्जीक्यूट करेगा. एग्जीक्यूट एक बार हो गया उसके बाद ही वो HTML पार्सिंग रिज्यूम करेगा. अभी क्या होगा, अगर जो एक्सटर्नल JS फाइल है वो काफ़ी बड़ी है तो उसको डाउनलोड और एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा. तो जितने टाइम तक HTML पार्सिंग रुकी हुई है उतने टाइम तक यूज़र को UI में कुछ भी कंटेंट नहीं दिखा. उससे क्या होगा कि यूज़र चला जाएगा वेबसाइट से. तो ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट टैग जो हमने हेड सेक्शन में लिखा है वो हम बॉडी सेक्शन के एंड में लिख सकते हैं. उससे क्या होगा, जब ब्राउजर HTML पार्सिंग करेगा तो उसको स्क्रिप्ट टैग तो बॉडी सेक्शन के एंड में ही मिलने वाला है. ब्राउजर HTML पार्सिंग तो पूरा कर लेगा और यूज़र को भी सब कंटेंट दिख जाएगा, बट आपकी जो जावास्क्रिप्ट फाइल्स है उसको डाउनलोड होने में काफ़ी टाइम लगेगा. तब तक आपको यूज़र को लोडिंग इंडिकेटर दिखाना पड़ेगा. अगर ऐसा ना करना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ डेफर एट्रीब्यूट विद इन अवर स्क्रिप्ट टैग. उससे क्या होगा कि लेट से ब्राउजर HTML पार्सिंग कर रहा है उसको बीच में स्क्रिप्ट टैग दिख गई तो वो क्या करेगा, JS फाइल डाउनलोड करेगा, ठीक है. फिर डाउनलोड करने के बाद वो तुरंत जावास्क्रिप्ट फाइल एग्जीक्यूट नहीं करेगा. HTML पार्सिंग एक बार कंप्लीट हो गया उसके बाद ही वो जो जावास्क्रिप्ट फाइल उसने डाउनलोड की थी वो एग्जीक्यूट करेगा. इससे आपका रेंडरिंग ब्लॉक नहीं होगा तो यूज़र को UI में सब कुछ जल्दी दिखेगा. और डेफर एट्रीब्यूट यूज़ करने से और एक भी फ़ायदा है, लेट से आपने दो स्क्रिप्ट ऐड की है, ठीक है, जिसमें JS फाइल A एंड JS फाइल B दो है. फाइल A इज़ हैवी, फाइल B इज़ लाइट. अब क्या होगा कि जब दोनों फाइल्स डाउनलोड होगी तो ऑफकोर्स फाइल B तो जल्दी डाउनलोड हो जाएगी बिकॉज वो छोटी है और फाइल A में थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज इट इज़ हैवी. एक बार HTML पार्सिंग हो गई जावास्क्रिप्ट फाइल जो डाउनलोड हुई थी वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है. अभी वो उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगी जैसे आपने स्क्रिप्ट टैग में मेंशन किया था. पहले स्क्रिप्ट टैग किसके लिए था, फॉर फाइल A, राइट, और दूसरा स्क्रिप्ट टैग किसके लिए था, फॉर फाइल B. जावास्क्रिप्ट फाइल्स भी उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगी, पहले होगा फाइल A और दूसरा होगा फाइल B. तो आप डेफर एट्रीब्यूट कब यूज़ कर सकते हो, जब आपकी दूसरी स्क्रिप्ट पहले स्क्रिप्ट पर डिपेंडेंट है. थर्ड इज दी एसिंग एट्रीब्यूट. एसिंग एट्रीब्यूट क्या होता है, ब्राउजर जब HTML पार्सिंग कर रहा है उसको हेड सेक्शन में स्क्रिप्ट टैग मिल गया तो अब क्या होगा, जावास्क्रिप्ट फाइल डाउनलोड होगी बट उस टाइम आपका HTML पार्सिंग नहीं रुकेगा. अभी JS फाइल जो डाउनलोड हो गई अब वो एग्जीक्यूट होगी तो जितने टाइम तक एग्जीक्यूशन हो रहा है उतने टाइम तक आपका पार्सिंग रुक जाएगा. एसिंक एट्रीब्यूट में क्या कि अगर आप दो स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हो फाइल A के लिए और फाइल B के लिए तो उसमें क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन मेंटेन नहीं रहेगा. फाइल A को टाइम लगा और फाइल B जल्दी डाउनलोड हो गई तो जो फाइल जल्दी डाउनलोड हो गई वही फाइल पहले एग्जीक्यूट होगी. आपको एसिंक एट्रीब्यूट कब यूज़ करना है, जब आपकी फाइल पे कोई और फाइल की डिपेंडेंसी नहीं है. हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट था कॉमन वे ऑफ राइटिंग स्क्रिप्ट टैग विदाउट एनी एट्रीब्यूट, एसिंक या डेफर. उसमें क्या इशू था, अगर ब्राउजर ने हेड सेक्शन में स्क्रिप्ट टैग देख लिया तो वो JS फाइल को डाउनलोड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा तो डाउनलोड होने से लेकर एग्जीक्यूशन होने तक आपका HTML पार्सिंग रुक जाएगा, तब तक यूज़र को पूरा कंटेंट नहीं दिखेगा. दूसरा इशू क्या था, अगर आप वही स्क्रिप्ट टैग को बॉडी सेक्शन के एंड में लिखते हो तो आपको पार्सिंग में कोई इशू नहीं आएगा बट आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल काफ़ी लेट से डाउनलोड होगी, तब तक आपको यूज़र को लोडिंग इंडिकेटर दिखाना पड़ेगा. सेकेंड वे क्या था, टू यूज़ डेफर एट्रीब्यूट. उसमें क्या होगा, डाउनलोड होने के बाद फाइल तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होगी. अगर एक बार आपका HTML पार्सिंग हो गया उसके बाद ही जो भी सारी फाइल्स थी उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगी जो आपने स्क्रिप्ट टैग्स में लिखा हुआ है. और ये आपको कब यूज़ करना है, फर्स्ट है कि आपके स्क्रिप्ट में SRC एट्रीब्यूट तो होना ही चाहिए. सेकेंड इज की जब आपकी एक फाइल दूसरे फाइल पर डिपेंडेंट है तो ये स्क्रिप्ट आप अपने हेड सेक्शन में लिख सकते हो क्योंकि इससे आपकी JS फाइल्स जल्दी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी. थर्ड है टू यूज़ एसिंक एट्रीब्यूट. एसिंक एट्रीब्यूट से क्या होगा, जब आपकी JS फाइल डाउनलोड होगी तब आपका HTML पार्सिंग ब्लॉक नहीं होगा और जितने टाइम तक फाइल एग्जीक्यूट होगी उतने टाइम तक आपका HTML पार्सिंग ब्लॉक्ड रहेगा और ये एग्जीक्यूशन ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा. जो स्क्रिप्ट पहले डाउनलोड होगी उसी फाइल को वो पहले एग्जीक्यूट कर देगा. तो एसिंक एट्रीब्यूट आप कब यूज़ कर सकते हो,
फर्स्ट है कि आपके स्क्रिप्ट में SRC एट्रीब्यूट तो होना ही चाहिए। अगर आपकी फाइल छोटी है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, बट जैसे हमने देखा था कि जैसे ही फाइल डाउनलोड होगी वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगी, और एग्जीक्यूशन जितने टाइम तक चलेगा तब तक आपका HTML पार्सिंग ब्लॉक रहेगा। तो अगर आपकी फाइल बड़ी है तो आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड है कि अगर आपकी फाइल कोई और फाइल पर डिपेंडेंट नहीं है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड फोर्थ इसकी अगर आपको आपके वेब पेज में एड्स चलाने हैं तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, बिकॉज उस केस में वो फिर किसी और स्क्रिप्ट पे डिपेंड नहीं करेगी। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ऐड कर दो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।